मैं रंजना आप सभी का स्वागत कर रही हूँ रंजना चूल्हा में। आज हम बनाने जा रहे हैं कटोरी चाट। तो चलिए शुरू करते हैं। कटोरी चाट की कटोरी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, रिफाइन ऑयल और सादा नमक, और गुनगुने पानी में हम मैदा को गूथेंगे। तो चलिए मैदा को गूथ लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 कप मैदा डालेंगे। नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। बड़े चम्मच में 4 चम्मच ऑयल रखी हूँ मैं। इसमें ऑयल देखिए, इसको इसको मुट्ठी बंधाएगा, इस तरह से मुट्ठी बंधाएगा, उसी हिसाब से हम ऑयल देंगे। क्योंकि अगर ये मुट्ठी नहीं बंधाएगा तो फिर कटोरी हमारा कड़ा हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसीलिए 4 चम्मच ऑयल रखी हूँ मैं। ये देखिए, मेरा 3 चम्मच में मुट्ठी बंधा गया, इसमें और ऑयल नहीं लगेगा। अब इसको हम गुनगुना पानी में गूथेंगे। मैदा को ज़्यादा टाइट नहीं गूथेंगे हम, थोड़ी से नर्म गूथेंगे, क्योंकि आधा घंटा इसको सेट होने के लिए छोड़ेंगे तो मैदा क्या है, टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए शुरू से ही हम थोड़े से नर्म गूथेंगे। तो ये गुनगुना पानी है, थोड़े थोड़े गुनगुना पानी दे के हम मैदा को गूथेंगे। हाथ में से पानी ले लेके गूथेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डालेंगे तो ज़्यादा डला जाएगा, उसके बाद फिर मैदा में ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़े 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 हाथ में लेके इस तरह से डो बना लेंगे। क्योंकि अभी बाहर का हम नहीं खा सकते, वैसी महामारी चल रही है, वैसे खाना भी नहीं चाहिए अभी, तो घर में आप इस टाइप का बना के पूरा परिवार को आप खिलाइए। और जितना हो सके अधिकतर आप घर में ही रहिए, ज़्यादा अगर ज़रूरी ना पड़े बाहर जाने के लिए तो आप घर से ना निकलिए। इसको सेट होने के लिए आधा घंटा के लिए अभी ढक देते हैं। ये देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है, थोड़ा हो गया, इसको थोड़े से और गूंथ देंगे हम। ये देखिए अच्छी तरह से रेडी हो चुका। अब इसे हम छोटा छोटा लोई निकाल लेंगे पूरी की साइज का, इतना बड़ा लोई निकालेंगे। ये देखिए मैंने लोई काट दिए। अब हम पूरी बेलेंगे। बड़े साइज का पूरी बेल लेंगे, क्योंकि हमारे जो कटोरी है उसमें कवर कर लेगा, ज्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, पतला बेलेंगे। ये देखिए चारों तरफ से हम इसे पतला बेलेंगे। 2 चम्मच मैदा लेके हम इसमें खोल बनाएंगे। अगर कटोरी में हमारा पूरी अगर ना चिपके तो इसको हम देख के चिपकाएंगे, वैसे चिपक जाता है, लेकिन हम तेल में डालेंगे, अगर कटोरी खुल जा रहा है तो मैदा देके हम चिपका के उसको तेल में डालेंगे। इस तरीके से अब हम कटोरी में थोड़े से तेल लगाएंगे। इस तरीके से टाइट से हम दबाएंगे ताकि तेल में जब छोड़ेंगे तो कटोरी हमारा मत खोले। इसको
उसे टाइट से दबा देंगे तो नहीं लगेगा, जो मैदा का घोल बना है लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई दबे अगर ना बने तो उस स्थिति में हम यहाँ लगा सकते हैं पूरी जगह में, चिपका सकते हैं। फोक से हम इसको छेद कर देंगे, चाकू के नोक में हो या फोक में हो इसको इस तरह से हम छेद करेंगे। इस कटोरी को आप बना के रख भी सकते हैं, जब भी आपको मन लगे चाट बनाइए, डायरेक्ट कटोरी में डालिए और खाइए। और जो एक्स्ट्रा जो इधर है इसको अंदर साइड ही हम ऐसे करके निकाल देंगे। हमारा जो कटोरी है एकदम शेप से बनेगा, देखने में भी सुंदर दिखेगा। इस तरह से देखिए इसी तरह से हम सारे पूरी को बेल लेंगे और कटोरी बना लेंगे। अब हम गैस ऑन कर लेंगे, कढ़ाई बिठा देंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल क्या है थोड़ी ज्यादा देंगे तो कटोरी हमारा डूब के रहेगा। तेल गरम होगा उसके बाद फिर हम कटोरी को छोड़ेंगे, क्योंकि तेल गरम नहीं हुआ है। एक बार हाई फ्लेम में गरम कर लेंगे, उसके बाद लो फ्लेम में ही उसको हम तलेंगे। तेल गरम हो चुका है कि नहीं हम पता कैसे लगाएंगे, एक छोटा सा बॉल का टुकड़ा हम डाल देते हैं मैदा का बॉल का और चेक कर लेते हैं। अगर ये देखिए ये बुलबुला ऊपर आने लग गया ना तो ये तेल गरम हो चुका है, इसको निकालेंगे। अब हम अपना जो कटोरी बनाए हैं अब उसको तेल में छोड़ेंगे। देख के अपना हाथ को आप बचा के छोड़िएगा क्योंकि तेल गरम है। इस तरह से हल्का 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 हम तेल को ऐसे देते जाएंगे, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है कि अपने आप कटोरी को छोड़ देगा। कटोरी जब छोड़ देगा तो आप कलछी से कटोरी को बाहर निकाल दीजिएगा। ये देखिए कटोरी हमारा छोड़ दिया है, अब इसको हम धीरे से कलछी से निकाल लेंगे, सावधानी पूर्वक निकालना पड़ेगा। इस तरह से चाकू से हम अलग कर देंगे कटोरा से। कटोरी बन चुका है हमारा, इसको थोड़े से हम पलटा देंगे, सावधानी से पलटाइएगा नहीं तो टूट जाएगा जी ऐसे, क्योंकि दोनों तरफ से सिक जाएगा। अब इसको हम ये भी निकाल देंगे। ये देखिए हमारा कटोरी, इसी तरह हम सारे कटोरी को इस तरह से बना लेंगे, सारी कटोरी को बना लेंगे हम, उसके बाद फिर चाट की तैयारी करेंगे। अब देखिए मेरा कटोरी बन के रेडी हो चुका है, कितना सुंदर कटोरी बना है। अब हम चाट की तैयारी करेंगे, तो चलिए चाट बनाते हैं। चाट बनाने के लिए हमें चाहिए मटर चना जो कि मैं बॉईल करके रखी हूँ, आलू भी मैं बॉईल कर दी हूँ, आलू मेरा 5 आलू ली हूँ मैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, इसको हम अभी चाट बनाएंगे। और गार्निश के लिए हमें चाहिए मीठा दही, मीठा इमली की चटनी, अनार की दाना और सेव भुजिया। तो चलिए पहले चाट बनाते हैं। मैंने उसी कढ़ाई को बिठाए हैं क्योंकि जिस तेल था तेल को मैं अलग जगह में ट्रांसफर करके फिर उसी कढ़ाई में मैं चाट बनाऊंगी। थोड़ा सा हमने रिफाइंड ऑयल डाले, तेल जब तक गर्म हो रहा है हमारा तब तक हम चना और आलू को मैश कर देते हैं। चना को हाथ में ऐसे हम मैश कर देंगे, आलू को भी ऐसे रफली ऐसे मैश कर लेंगे, काटना नहीं है उसको, हाथ में ही हम ऐसे मसल देंगे इसको। चलिए हमारा तेल गरम हो चुका है, सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी,
डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद डालेंगे गरम मसाला, अच्छी तरह से मिला देंगे सबको। इसके बाद हम जो चना और आलू को मेस किए हैं उसको डालेंगे। ये देखिए चाट होने को आ गया ना। अब डालेंगे इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसमें धनिया पत्ती भी हम डाल देंगे चाट में। अब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए मेरा चाट बन के रेडी हो चुका। अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब चलिए चाट को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब चलिए कटोरी चाट में हम चाट भरेंगे। इसको इस तरह से हम चाट भरेंगे। अनारदाना, ऊपर से और थोड़ी सी दही दे देंगे। थोड़ी सी हमने जीरा पाउडर, भुने हुए जीरा पाउडर दे देंगे। देखिए मेरा चाट बनके तैयार हो चुका है। आप जरूर घर में ट्राई कीजिए और अपने परिवार के साथ आप खुद भी खाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को